सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे आप सभी? आई होप आर यू डूइंग वेरी वेरी वेल। सो आज की सुबह कर रहे हैं अपन एकदम इंटरेस्टिंग तरीके से, बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से, और मौसम तो हो गया है बिल्कुल 4-5 दिन से एकदम घमासान। और ये अंकिता ने खाना वाना खा लिया, बिल्कुल रेडी है। अंकिता, अंकिता जा रही है? हाँ। तो अंकिता भी रेडी है बिल्कुल जाने के लिए, और मम्मी ने बना दिया उसके लिए खाना वाना। और मम्मी को दिखाऊं? मम्मी कैसी हो आप? बहुत दिनों के बाद देख रही हो, क्या बात है। हाँ नहीं, मतलब बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनना है ना आपका। इधर क्या छुए भी है? तो भाई साहब बरसात में देखो कितने में आपको देखूं। रुको भाई, बरसात में देखो ये पानी आया था और इधर कैंचू आ जाते, देखो कितने किचन में ये पानी यहाँ का सर हो। मम्मी ये देखो भाई कितने कैंचू हुए, देख रहे हो, देखो कितने पानी बरसता है, कितने कैंचू आ जाते हैं। क्या बना रही है तुम? देखो अंकिता के लिए मम्मी ने पुलाव बना दिया, अंकिता ने खा भी लिए और ले जा भी रही है, और पुलाव के संग पराठे भी ले जा रही हो। अंकिता कितना खाती हो? मांग के काम चलाओगे? अचार की एक कड़ी निकाल दो, मैंने तो मोड़ दो नहीं। अब भैया ये अपने आपको मॉडल समझती हुई अंकिता, देखो बस की दान दंग जाके थोड़ी नई खबड़ी ऐसे हो गए, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। सो गाइस, अपना रिजल्ट आ चुका है 12th का, पास में इतना पता है, अपन रिजल्ट देख रही नहीं है, लिटरली देख रही नहीं है। मेरे को विश्वास है पास है बस, बहुत है, क्योंकि पास है सब, सब पास है तो हम भी पास हैं, है ना। तो चेकआउट करेंगे अगर दिखता है तो, है ना, देखते हैं। गाइस आज मैं बताऊंगा आपको शेविंग कैसे बनाई जाती है। ये है रेजर, ये है क्या कहते हैं इसको, क्या कहते हैं ना नहीं इसको बोलते हैं क्रीम, और ये क्रीम है, ये हमें, ये हमारा ब्रेड है, इससे हम सेविंग बनाएंगे, ठीक है। ये काफी आसान है, सरल भाषा में इसको बोलेंगे, इसे बोलते हैं हम शुद्ध भाषा में, मम्मी क्या कहते हैं इसको बोलते हैं, तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कैसे बनाते हैं इसको। ऐसे देखिए, यू करना है सिंपली, ठीक है, बस इसी तरीके से करते रहना है और आपकी सेविंग काफी आसानी से बन जाएगी, ठीक है। सो गाइस फाइनली कंप्लीट हो गई मेरी सेविंग, तो मम्मी से पूछते हैं कैसी लग रही सेविंग, कैसी लग रही है बताओ। सही लग रही है। और पहले कैसी लग रही थी? पहले सही लग रही थी वैसे। हाँ तो क्या है, वो आदत पड़ गई थी ना वैसे देखने की, आई मैं सेविंग कर ली है, मैं इसलिए कर रहा हूँ बेसिकली क्योंकि जिससे आए, है ना, क्योंकि अभी आ नहीं रही मेरी, इस वजह से थोड़ी आएगी। तो आई होप आज का व्लॉग इसी में स्टार्ट करेंगे अपन, और मम्मी ने बैठक लगाई है, अब मम्मी पता नहीं क्या सोच रही है, पानी पी रही है। चली ना मम्मी, और लाइट भी चली गई है, तो अभी पहुंच लेते हैं, लाइट चली गई तो पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया टोटली, है ना। और ललित चला गया अंकिता को छोड़ने के लिए, जैसा भी है चलो। और अभी टाइम हो रहा है देखो 10 बज गए हैं, 10 मिनट आगे खड़ी है, इसको इग्नोर करना, ठीक है। और मेरा क्या कहते हैं, मेन चैनल का वीडियो आने वाला है काफ़ी जल्द, फर्स्ट वीडियो, फेस वीडियो, तो वो भी चेकआउट जरूर कर लेना। तो भाई सभी वापस दुकान पे आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद, और राजकुमार यार घूमने का आ रहा है भैया, नहीं आया घूमने, कौन के साथ जा रहा है? दोस्त के साथ जाऊँ, कहीं नहीं आ रहा, यहीं पे रहेगा, ठीक है, जा रहा हूँ। और हमारी हाल से मछलियों को देखो, अबे तेरी देख रहा कितना आ रहा है, क्या क्या सिर्फ फसल अस्सी जाते रहा सभी, आ चुका हूँ बेसिकली सर के यहाँ पर व्लॉग कंटिन्यू करने के लिए, और मेरे साथ में मेरा दोस्त राहुल जो कि एक जिम बॉय है, तो शुरू से ही है ना। तो आज राहुल अपनी डाइट के बारे में बताएंगे। राहुल कितना टाइम हो गया आपको जिम करते हुए, पहले ये बताएं। मेरे को 5 महीने हुए। अच्छा 5 महीने जिम कर रहा हूँ मैं, और मैंने कम से कम एक खा लिए होंगे, कम से 600 अंडे खा लिए मैंने 5 महीने में। अच्छा, और बीच में चने और सोयाबीन खाता हूँ, सोयाबीन में बहुत प्रोटीन होता है, छोटे वाले सोयाबीन। हाँ छोटा वाला सोयाबीन का। अच्छा एक बार 10-30 से 60 रुपए किलो में मिल जाता है, और चने भी उसको एक बार गला के रख दो
सुबह खा लो मतलब। तो राहुल मतलब ऐसे दिन में कितने घंटे अपन को मतलब जैसे जिम जाते हैं तो कितने घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए वैसे पर डे? जिम जाने से पहले हमको वार्म अप करना चाहिए आधे घंटे तक, उसके बाद ही हमें बॉडी गर्म करके उसके बाद पैड लगाना चाहिए मतलब एक घंटे एक्सरसाइज करना चाहिए जिम में कम से कम, है ना? मतलब टोटल डेढ़ घंटा तो लगता है पर डे, है ना? तो अभी आपको 5 महीने हो गए, अभी आपका कितना सोच के रखा है कितने टाइम तक करना है आपको जिम? पहले मैंने जब ज्वाइन की थी जिम तो मेरा वजन था आई थिंक 45 किलो, और 5 महीने के अंदर मैंने अपना वजन 58 किलो कर लिया है। अरे इतना ज्यादा? हाँ, आज 12 किलो वजन बढ़ गया है मेरा 5 महीने में। और ये हकीकत है भाई, लिटरली ये बात मैं खुद मानता हूँ कि इसका वजन मैंने चेक किया था और अभी इतना ज्यादा इम्प्रूव हो गया ना, मेरे को पता है। केवल जिम से और थोड़ा डाइट लेना पड़ेगी। डाइट में क्या वैसे दिन भर का खाने का रूटीन बताओ, क्या क्या है आपका? सुबह तो मैं चने खाता हूँ एक मुट्ठी, उसके बाद चाय पी के नहीं अपनी जॉब पे आता हूँ कंटिन्यू, और शाम को 7 बजे में निकल जाता हूँ, घर पे पहुँच जाता हूँ 7:30 बजे तक, फिर 8:30 बजे तक मैं जिम तक पहुँच जाता हूँ मतलब। उसके बाद मैं खाने का रूटीन पूछ रहा हूँ, खाने के लिए भाई चने खाता हूँ मैं। अबे भोसड़ी के पूरे दिन में क्या खाता है? चने तो तू खाता है, ये तो मेरे को समझ में आ गया। दिन में यही खाता हूँ मैं। तू दिन में ऐसा ये बता दे, ऐसा सुबह मैं ये खाता हूँ, फिर इतने नहीं हम तो मुझे बता रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं। देख जैसे कि तू सुबह खाता है चने, फिर दुकान में क्या लेता है? मुट्ठी। हाँ, उसके बाद चाय पीता हूँ, चाय पीने के बाद यहाँ पे आ जाता हूँ। फिर अभी खाना खाता तू? फिर चना खाता हूँ दोबारा। अब दिन में चने मतलब नॉर्मली 3 रोटी खाता हूँ, क्या बताऊँ उसमें दिन में? नहीं तो पूरी डाइट ये पूछ रहे हैं। डाइट ही तो है, डाइट में जी आया चना वगैरह खाते हैं जो। अच्छा, जो रोटी नहीं खाता? रोटी नहीं खाता, 3 रोटी खाता है ना? 3 रोटी खाता हूँ बस। रोटी मतलब रोटी में कुछ हो जाता है? सो गाइस 3 रोटी और 2 टाइम के चने बस, इससे 18 किलो वजन 5 महीने। मौसम चेंज हो रहा है इसके बाद मैंने केले वगैरह खाना बंद कर दिया है। अच्छा, दूध वगैरह पीता हूँ। अच्छा, दूध भी मैंने बंद कर दिया है। दूध ही बंद कर दिया? गर्म बॉडी आती है, सोयाबीन बहुत गर्म होती है अपने आई थिंक अपने सोयाबीन सोयाबीन तेरे सोयाबीन। सो गाइस आई होप आपको थोड़ा बहुत इम्प्रूव वो क्या कहते हैं हेल्थ के बारे में जानकारी मिली होगी हमारे बॉडी बिल्डर राहुल से। आप इनके मसल्स देख सकते हो, 5 महीने देखो 5 महीने के मसल देखो आप। तो राहुल है जिम में, बस रुलाएगा, ये जला रहा है बेसिकली मेरे को। तो मौसम तो यार 4-5 दिन से राहुल 5 दिन से मौसम देख रहा है अभी, ये क्या दिखाने की वो उसमें नहीं है। नहीं तो भाई साहब बंदे की बॉडी बन गई 5 महीने में बहुत शानदार।